Now we are going to discuss about the topic which is outsourcing. In retail, outsourcing is one of the key things nowadays, because a lot of expenditures has been incurred on the regular cost, regular operations. So what retailer do, they normally try to involve a third-party outsource company to run one or more of its operations. So as per the definition also, a retailer. नॉर्मली किसी ना किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कंपनी को डिप्लॉय करता है कुछ ना कुछ अपने ऑपरेशन के फंक्शन असाइन करता है और उसके बदले ऑफकोर्स पेमेंट करता है अगर हम इन जनरल डिस्कशन बात करते हैं लेट्स से लेट्स एक एन एग्जाम्पल ऑफ हाउस कीपिंग नॉर्मली इन द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन यू विल ऑब्जर्व दैट हाउस कीपिंग इज़ वन ऑफ द फंक्शंस जिसको सबसे पहले आउटसोर्स किया जा सकता है so in a retail stores you will find the general manager you will find the floor managers the department managers associate staff supervisors all these people who are actually running the key operations of the business on the other side apco store co-clean kernekalias ke store key hygiene co-maintain kernekalias ke you need to have the cleaning staff, the housekeeping staff. तो इसके लिए नॉर्मली बिकॉज दिस इट इज नॉट दिस कोर कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टोर टू डू दैट पर्टिकुलर फंक्शन तो इसीलिए इस तरह के तमाम फंक्शंस को नॉर्मली द रिटेलर प्रेफर्ड टू आउटसोर्स इट गिविंग दैट ऑपरेशन टू अ थर्ड पार्टी तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ एनी कंपनी एनी रिटेलर लेट्स एक एन एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान अगर हम बात करते हैं हाइपरस्टार की अगर हम बात करते हैं मेट्रो के हवाले से तो अगेन बोथ हैव दिस हाउसकीपिंग थर्ड पार्टी आउटसोर्ट विच मीन्स दैट पर्टिकुलर फंक्शन हैज बीन गिवन टू अ थर्ड पार्टी एंड द कंपनी पे फॉर इट नॉर्मली उसको एक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर दी जाती हैं जिसके ऊपर उसकी कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी होती है एंड देन द आउटसोर्स कंपनी दे गेट द पेमेंट ऑफ इट इस केस के अंदर जो इंप्लॉयीज हैं दे आर एक्चुअली at the payroll of an outsourced company they are not actually at the payroll of retailer इसी तरीके से maintenance के हवाले से contracts हैं या it services के हवाले से contracts हैं दो नोक examples हैं so normally let's say किसी retail store के अंदर if there is a generator और there is a ups इस तरह का कोई power solution मौजूद है कि जिसके लिए you need maintenance for lifters की maintenance है तो किसी भी equipment की maintenance के हवाले से the retailer नॉर्मली वट दे डे हैव वन टू मेंटेनेंस पर्सन जो कि बिल्कुल बेसिक कॉर्डिनेशन या जो कि बेसिक वर्कर होते हैं या आइर दे कॉर्डिनेट विद द आउटसोर्स कंपनी टू तो एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मली ये ईयरली बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं ये वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि जो कि रिटेलर अपने इस फंक्शन को बिकॉज दे आर नॉट द स्पेसलिस्ट ऑफ इट एंड देर आर कंपनीज विच आर एक्चुअली स्पेशलिस्ट ऑफ मैंटेनिंग द So so. uh, लेट्स से जनरेटर्स यू पी एस पोकलिफ्टर्स बैटरीज सो एंड सो एंड देन आई टी इक्विपमेंट फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप सर्विसज की लैपटॉप के हवाले से सर्विसेज हैं देन इसी के रोम के हवाले से रैम के हवाले से सो एनी थिंग विच इज़ रिलेटेड टू सर्विसिज बिकॉज रिटेलर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड सो वट दे नॉर्मली डू वो डिप्लॉय कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं विद एन आउटसोर्स कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली दैट पीरियड ऑफ टाइम इज़ ट्वेल्व मंथ्स और इस ड्यूरेशन में जो रिटेलर को स्पेसिफिक फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करती है आउटसोर्स कंपनी और रिटेलर उसके बदले उसको पे करता है इसी तरीके से लॉजिस्टिक्स या डिलीवरी सर्विसेज के हवाले से भी आ, कहा जाता है आउटसोर्स का अगेन ये भी मुमकिन है दुनिया में बड़े रिटेलर ऐसे भी हैं कि जो कि डिलीवरी सर्विसज को या लॉजिस्टिक सर्विसज को नॉर्मली वो अपने तौर पर हो चलाते हैं लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि आपका स्ट्रेंथ आपका एरिया ऑफ बिजनेस इज रिटेल इज़ नॉट सप्लाई चें और लॉजिस्टिक्स सो वॉट अ रिटेल और नॉर्मली डू दे एक्वायर सम कंपनीज टू परफॉर्म दैट टास्क फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करेंगे बेशक वो कोरियर कंपनी की बात हो रही है वो इन बाउंड लॉजिस्टिक कंपनी की बात हो रही है वो आउट बाउंड लॉजिस्टिक कंपनी की बात हो रही है कस्टमर को देने के लिए सप्लाईज के इन होने के लिए हर परस्पेक्टिव में जब रिटेलर आउटसोर्स कर रहा है अपनी सर्विसेज़ को जो कि डिलीवरी सर्विसेज़ हैं या लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज़ हैं टू अ थर्ड पार्टी आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट तो अगेन ये हमारे पास कहलाएगा आउटसोर्सिंग के पैरामीटर के अंदर नॉर्मली हमने अक्सर अवकात सिक्योरिटी गार्ड्स की ऑप्शन को भी देखा है बहुत ज़्यादा स्पेशली द कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान वहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग जो है वो इज कंसिडर टू बी सिक्योरिटी कंपनी एज अ थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी आउटसोर्स कंपनी सो स्टोर की जो इन साइड स्टोर सिक्योरिटी है और स्टोर की जो आउटसाइड स्टोर सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए नॉर्मली द कंपनीज हैव द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी पे द सिक्योरिटी कंपनीज जो कि आउटसोर्स कंपनीज हैं पर इंप्लॉय और पर रिसोर्स एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन एज पर द रोल्स डिफाइंड तो वो सारी चीज़ों के अंदर टेक केयर ऑफ that particular function of store security. So outsourcing retail के अंदर एक one of the key aspect में से है जो के काफी सारी ऐसे operations हैं retailer के जो के normally outsourcing business के through handle किए जाते हैं और retail में इसकी बहुत अहमियत है और with the passage of time retailers जितनी product जितनी services जितने operation functions ऐसे हैं जिसमें उसकी strengths नहीं है वो normally outsourcing की तरफ जा रहे हैं